गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। कल रात यहाँ रेलवे स्टेशन वापस आ गया था, आगे का कोई डॉर्मेट्री में सो गया जिसका लगभग 100 रुपये मुझे भाड़ा देना पड़ा। आज प्लान है दीमापुर से कोहिमा का, जिसके लिए मैं शायद हिच हाइक करने का कोशिश करूँगा। अदरवाइज नहीं हुआ तो मैं कोई पब्लिक बस, जैसे कि बस हो गया या कोई जो भी मिले सुमो बस, वैसे मैं चला जाऊँगा। और इसको आप नागालैंड के इम्पोर्टेंस को समझिए। सबसे पहले ये एक्चुअली में बॉर्डर सिटी है, जो नॉर्थ असम, मणिपुर और अरुणाचल और बर्मा के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिस वजह से दीमापुर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है ये बाकी स्टेट्स के लिए। तो इसीलिए ये दीमापुर इतना फेमस है। और यह मेनली जो एक इम्पोर्ट किया हुआ सामान, जैसे कि बाहर से कोई आया हुआ सामान फॉरेन से, यहाँ पे हॉन्गकॉन्ग मार्केट होती है एक जगह है, वहाँ पे बिकता है। तो वो चीज़ तो मैं जब मैं वापस आ रहा हूँ तब मैं एक्सप्लोर करूँगा। अभी यहाँ से कोहिमा के लिए जान जाएगा। कल रात का जो ये है तो मेट्रिक का चार्ज वो दे लेते हैं, फिर यहाँ से निकल जाएगा बाहर कुछ खाने की तलाश में। कल रात भी खाया नहीं तो अभी सबसे पहले खा लेता। आपको ही देना है ना, आपको पैसा देना कई 100 रुपये न रखता, 100 रुपये अलग से रख दिया था। यहाँ भैया कोहिमा का गाड़ी कहाँ से मिल जाएगा? कोहिमा का ये सामने से भी मिल जाएगा। कोई बस ऐसे? बस तो वो NFT से मिलेगा। NFT से? थैंक यू भैया। अभी जो डॉर्मेट्री वहाँ से जिप कर रहे हैं और अभी बाहर मार्केट में निकलेगा और यहाँ से कुछ खाना साना खा के आगे की ओर बढ़ जाएंगे। सबसे पहले खाने का जगह ढूंढना होगा यार, रात से खाया नहीं तो रजोर का भूख भी लगा। कल रात तो लगभग केक से एडजस्ट करके बैठ गया था और जो खाना मिल रहा था वो डोसा ऐसे मिल रहा था जिन्हें मुझे पसंद नहीं है। मेरे पीछे रह गया दीमापुर रेलवे स्टेशन। कल रात यहाँ से यहाँ वापस आया था लगभग 10 या 11 बजे। बाहर कोई होटल भी ढंग का मिला नहीं, बहुत हाई कॉस्ट था, इसलिए हम वापस आ गया यहीं पर रिटर्निंग रूम पर। कल रात दे दिया सामने, कल रात कहीं एक होटल दिखा था। स्टेशन का पास में कोई होटल था इसमें से पूरे खा रहे पार्क पे 30 रुपये से बहुत फर्क। अभी यहाँ से डिसाइड करना है कि क्या करें, यहाँ से टैक्सी ले या आगे लिफ्ट के लिए ट्राई करें। आगे लिफ्ट से क्या हो सकता है, पैदा से खाया नहीं इसलिए यहाँ जो मिला वही खा रहा है सबसे पहले। तो आपका कोहिमा यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? 75 किलोमीटर रोड ये उधर। यहाँ से आसाम किधर रहेंगे? इधर उधर है आसाम, इधर आसाम हो गया, इधर वेस्ट। और ये अरुणाचल है? अरुणाचल आपको हो गया, इसको पड़ेगा इस साइड पड़ेगा। और ये बर्मा तो वो मोनोर लॉकडाउन कर रहे हैं, और मणिपुर और ये का गलत पड़ेगा, उसको मिजोरम भी उधर। ये अभी बस से ही ट्रैवल करेगा, जो टैक्सी है उसको अवॉइड कर रहे हैं फिलहाल। तो थोड़ा बता रहा था भैया कोहिमा के लिए एक स्वनंदे। बस के अंदर आते हुए अभी ये लगभग 10 से 15 मिनट में कोहिमा के लिए ऐसे निकल जाएंगे, और जैसे देखा है कि 2 से 3 घंटे में ये मुझे कोहिमा उतार देगा। और एक्चुअली मैं खींचे कितनों जाना था, लेकिन बस सुना कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी भी हो रहा है तो मैं कोहिमा में आ चुके हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने के बाद मैं आगे बुक
के लिए आज कोरोना से इसलिए लगभग आधा दिन तो कवर हो गया दीमापुर से कोहिमा के लिए, वो पीछे पीछे रह गया दीमापुर और आगे यहाँ से कोहिमा के लिए। और मैं इस बस को यूज़ कर रहा हूँ आज, NST नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट। और एक जो रास्ता का व्यू है मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं बैठा था रॉन्ग साइड के ड्राइवर का ऑपोजिट साइड में, तो वो आता है रोड का लेफ्ट साइड जिसमें पूरा कटा हुआ पहाड़ी दिखाई देता है और बाकी कुछ नहीं। अभी आगे जाना है, यहाँ से लगभग 15 टू 20 किलोमीटर है और अभी आधा आगे वेलकम टू द कैपिटल सिटी ऑफ नागालैंड कोहिमा। भाई क्या नज़ारा है यार, लाइफ में मैंने ऐसी जगह फर्स्ट टाइम देखा। अभी फिलहाल कहाँ जाना है पता नहीं और कहाँ पे वो भी पता नहीं। अभी जो फेस्टिवल ग्राउंड पे जाना है उसका लोकेशन भी मुझे नहीं पता, तो कोई अभी टैक्सी स्टैंड ढूंढ रहा है। अभी अभी बस मुझे यहाँ पीछे छोड़ के गया। बाकी आप नज़ारा देखो कोहिमा सिटी का यार, लग रहा है ना कोई जन्नत यार। अभी कोई बप्ती चर्च के सामने, बाकी पता नहीं कहाँ से मुझे गाड़ी मिलेगा, बस यही जगह देखने के लिए आया। हाँ, सबसे अभी तक का विजिट प्लेस में से मज़ेदार जगह कोहिमा, द कैपिटल सिटी ऑफ नागालैंड एंड प्लेस ऑफ नागा पीपल। अभी जाएगा या ये के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए कोई टैक्सी बुक करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। अभी सबसे पहले फेस्टिवल ग्राउंड में जाने से पहले कुछ खाने पीने का जुगाड़ कर लेते हैं यार, फेस्टिवल ग्राउंड में बहुत कॉस्टली होते हैं, इसलिए यार बाहर से ही कुछ ले लेगा और इसको बैग में डाल लेगा और रात को वहीं पे कैंपिंग करने के लिए ट्राई करेगा। अगर कॉस्टली हुआ तो मैं कहीं बाहर रह लूँगा, अगर हो पाया तो फेस्टिवल विजिट करूँगा, अदरवाइज नहीं। ज़्यादा कॉस्टली हुआ तो अभी कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं यार, खाने के लिए मिल जाने से ठीक है क्योंकि उधर खाना तो अभी ये पोहा और दूध लिया फेस्टिवल ग्राउंड में तो बहुत कॉस्टली होगा, ये अंकल का दुकान से लिया। देखो ना मामी कितना चेहरा लगता है, क्या हो गया?
खाने पीने का सामान तो ले लिया, अभी जाना है कोई टैक्सी स्टैंड पे और देख लेते हैं आगे क्या होता है। बस ज़्यादा चार्ज ना बोले, ज़्यादा चार्ज से बहुत प्रॉब्लम है यार, अभी बजट हिला हुआ है अभी तो लगभग पॉकेट में 2-3 हज़ार ही बचे, इससे हमको पूरा नागालैंड कम्प्लीट करना है, देख लेते हैं अभी क्या होता है। बाकी यहाँ भी सेम वही भीड़ वाला सिचुएशन ही है। ये है नागालैंड का कैपिटल कोहिमा। भैया हॉर्नबिल जाने के लिए इधर ना इधर दूर है, उसमें गाड़ी लेना पड़ेगा। कहाँ से? आगे में टैक्सी होगा। कहाँ से? यहाँ से? हाँ थोड़ा आगे में। बस ना टैक्सी? टैक्सी मिलेगा, ये ज़्यादा दूर तो नहीं है ना अभी, बहुत कॉस्टली है फिर भी जाना तो पड़ेगा, इतना दूर से आया है तो। अंकल के साथ जा रहे हैं अभी फिलहाल तो, अंकल छोड़ने जा रहा है, बहुत देर से ढूंढा टैक्सी भी मिला नहीं है इसीलिए। टैक्सी मिल रहा था लेकिन उधर जाने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं हो रहा था। दूर है क्या अंकल? दूर है। कितना किलोमीटर अंकल? आप कल आप बिसेमा साइड नहीं जाते हैं अपना? बिसेमा उधर है, बिसेमा उधर ही है, बिसेमा है। तो बिसेमा से जुकू कितना दूर पड़ेगा फिर? उधर है था जुकू तो बहुत दूर है। तो उधर के लिए कोई गाड़ी मिलता है? सर हायर लेना पड़ता है। हायर जुकू तक? आप कितना लेंगे? हम तो नहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा जाने से एवरेस्ट कितना लेगा? लेकिन हम भी नहीं जाता है, वो आदमी लोग जो जाता है ना वो लोग मालूम होगा ना। अंकल ऐसे आपसे एक बार पूछना था, आप तो नागालैंड यही रहते हैं तो नागालैंड, क्या हम इंटीरियर से इंटीरियर जाना सेफ रहेगा? ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कहाँ इंटीरियर? जैसे कि अभी उस साइड हम मोन लूँगा आपके जाएगा, इधर जुकू से आगे एक ये और एक विलेज है ना, क्या विलेज था कुछ है लास्ट विलेज एक है वहाँ तक जाएगा। गाँव है ना? हाँ गाँव में ही जा रहे हैं, अलग अलग गाँव है का। हाँ जाखामा भी ऐसा होगा ना? ऐसे कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक तो ठीक ही है। हाँ हाँ पब्लिक बहुत आता है, बहुत देखा है उधर का सुंदर व्यू ना, इसीलिए हम भी जाना चाहते हैं। गाँव का आदमी लोग अच्छा है। यहाँ का एंट्री फी कितना ले रहे हैं यहाँ का हॉर्नबिल का? 50 रुपया। 50 रुपया? और रात को सोने का टेंट में हम तो खुद लेके जा रहे, दे देगा सोने के लिए? सोने का अपना टेंट लेगी ना? हाँ है ना, कोई बात नहीं। हम तो सोचे कॉस्टली होगा एंट्री फी, ठीक है 50 रुपये। जाकामा क्या विलेज था पता नहीं यार, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल का एंट्री गेट पे तो पहुंच गया, अभी थोड़ा इससे ऊपर जाना है। पहुंच गया लगभग, थोड़ा दूर पैदल चलना होगा उसका बाद पहुंच जाएगा हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल जहाँ हो रहा है वो जगह पे। गेट पार कर लिया, देखने में मजा तो आ रहा है।